माय चैनल ऑब्सेशन विद कुकिंग। उम्मीद है सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू शेयर अ वेरी डिलीशियस रेसिपी ऑफ चिकन शाशलिक, जो ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट होता है। बहुत ही बेसिक सी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो बहुत इजीली आप लोग घर पर बना सकते हैं। सो लेट्स डू इट। यहाँ पर चिकन शाशलिक बनाने के लिए मैंने एक पाव के करीब यहाँ पर चिकन लिया है। चिकन को मैंने 1/4 teaspoon जो है हल्दी डालकर एक बॉयल सिर्फ आने तक पकाया है, ताकि इसकी जो स्पेसिफिक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 teaspoon इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च इज़ टोटली ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज यू स्किप इट। इसके साथ साथ इसमें जाएगा यहाँ पर 1 teaspoon के करीब विनेगर, 1 teaspoon इसमें जाएगा सोया सॉस, 1 teaspoon इसमें जाएगा चिली सॉस। इन सभी चीजों के साथ इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। आप चाहें तो इस स्टेज के ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसको हल्दी के पानी में बॉईल कर लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड इट। आप चाहें तो, अगर आप चिकन को बॉईल नहीं करना चाहते हल्दी में, तो आप इस स्टेज के ऊपर 1 teaspoon के करीब जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके वी लेफ्ट इट असाइड फॉर 30 minutes। अब हम अपनी बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। जी, अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऐड करूँगी अराउंड 2-3 tablespoons ऑफ ऑयल। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है, इसमें हम ऐड करेंगे ये 1 teaspoon के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉटेज फॉर 1 minute। पर इसके साथ साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, ये मेरे पास 4 से 5 जो है कश्मीरी लाल मिर्च है सूखी वाली, इसको ऐड कर देंगे हम। फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है, इससे एक तो शाशलिक का कलर बहुत अच्छा आएगा। चले जी, आप इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था और उसको मैंने पानी डालकर थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, और इसकी टमाटो प्योरी हम इसमें ऐड करेंगे। गिव इट अ क्विक मिक्स। इसके साथ साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस को, यहाँ इसमें जाएगी 1/2 teaspoon दड़ा मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 teaspoon इसमें जाएगा नमक, 1 teaspoon हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, 1 teaspoon इसमें जाएगा विनेगर, और 1 teaspoon इसमें जाएगा सोया सॉस। इन सभी स्पाइसेस को आपने इस चीज़ का ध्यान रखकर डालना है कि हमें चिकन को भी ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ है और उसमें भी स्पाइसेस को हमने यूज़ किया है, तो बस इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। नाउ गिव इट अ क्विक मिक्स। इसके साथ साथ ही मैं अब इसमें ऐड करूंगी यहाँ पर ये 2 बड़े चम्मच भरकर टमाटो कैचअप में यूज कर रही हूँ। चलें जी, अब इस ग्रेवी को हमें थोड़ा थिक होने तक पकाना है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से आप ग्रेवी का कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा रेड कलर हो चुका है इसका, और शाशलिक में जो कलर होता है ग्रेवी का वो ही बहुत परफेक्ट होना चाहिए। चले जी, अब इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे।
यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और यहाँ पर मेरे पास एक बॉल के करीब यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं। मैंने इनको इकट्ठा ही काट लिया है, इस तरीके से स्क्वायर शेप में आपने काटना है। एक बड़े साइज का मैंने शिमला मिर्च लिया है, एक बड़े साइज का अनियन लिया था और एक ही बड़े साइज का मैंने लिया था टमाटर। उन सबको आपने स्क्वायर में काट लेना है चकोर शेप में। और अब इसको हमने 4 से 5 मिनट तक हमने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर जो है हमने इसको पकाना है। वेजिटेबल्स जो है इनको बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करते, हल्का सा जो क्रंचीनेस है इसके अंदर वो रहनी चाहिए। हमने जस्ट इसको यहाँ पर फ्राई करना है ताकि इनका जो एक कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। बाकी इसे हमें ग्रेवी में भी कुक करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसे हमने 4 to 5 मिनट के लिए यहाँ पर ऑयल में सौते करना है। चले जी, यहाँ पर 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और वेजिटेबल्स हमारी जो है वो ऑयल में हमने अच्छे से फ्राई कर ली हैं और अब स्टेज के ऊपर जो है हम इनको निकाल लेंगे। टी ऑयल के अंदर हम अपने उस चिकन को ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था और इसको हम करेंगे अच्छे से फ्राई। 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने चिकन को फ्राई करना है, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है और बिल्कुल छोटे क्यूब्स में है तो ये फौरन से ही टेंडर हो जाता है। और जब हम इसे ग्रेवी में पकाएंगे तो 5 से 10 मिनट वहाँ पर भी हमें लग जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट डन हो जाता है। आप इस प्रोसेस के साथ ज़रूर शायद को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत क्विक बन जाता है जी। अब यहाँ पर हम अपनी ग्रेवी को देख लेते हैं। ग्रेवी जो है हमारी अभी भी बहुत पतली है और इसी स्टेज के ऊपर हमें अपनी ये जो वेजेस हमने फ्राई करके रखी हुई हैं इनको ऐड कर देना है और साथ ही साथ अपना ये चिकन जो कि ऑलरेडी हमने फ्राई किया हुआ है और मैरिनेटेड चिकन था ये, इसलिए यहाँ पर हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से डायरेक्ट इसको इसमें ऐड कर देंगे और अब इसी ग्रेवी के अंदर इसको हम हल्की आंच के ऊपर 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए ढककर छोड़ देंगे। चलें जी, अब यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम देख लेते हैं हमारी जो वेजेज हैं बहुत अच्छे से जो है वो टेंडर भी हो चुकी हैं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की वो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। इस चिकन चाशनी को जो है हम नॉर्मली फ्राइड राइस या स्टीम राइस के साथ सर्व करते हैं, तो उसके हिसाब से इतनी ग्रेवी जो है वो परफेक्ट है। तो इसको मैंने यहाँ पर एग फ्राइड राइस के साथ सर्व कर दिया है। ये एग फ्राइड की रेसिपी ऑलरेडी मैं राइस की रेसिपी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, सिंपली आप सर्च बार में टाइप कीजिएगा मोस्ट ईजीएस्ट एग फ्राइड राइस बाय ऑब्सेशन विद कुकिंग, सो आपको ईजिली मेरी वीडियो मिल जाएगी। और आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।